8 मार्च को लाहौर की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। कहीं पुलिस वाले इमरान समर्थकों पर हमला करते दिखे तो कहीं इमरान समर्थक पुलिस वालों से भिड़ते नजर आए। पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। अब यही हंगामा इमरान पर भारी पड़ने लगा है। लाहौर में इमरान खान समेत उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। साथ ही एंटी टेरर एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इस बीच इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है। इमरान खान पर सुरक्षा एजेंसियों को धमकाने का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर केटा की एक अदालत ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पिछले 11 महीनों में इमरान के खिलाफ पाकिस्तान के अलग अलग जिलों में कुल 80 केस दर्ज हो चुके हैं।